क्या होना चाहिए प्रताप भानु जी, आप तो इतने अनुभवी सांसद रहे हैं, क्या होना चाहिए ऐसे समय ओम बिड़ला जी को क्या करना चाहिए, धनखड़ साहब को क्या करना चाहिए, थोड़ा आप भी समझाओ ना, थोड़ा आपके शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करते हैं भाई ऐसा करना चाहिए जी, थोड़ा ज्ञान दीजिए ना प्रताप भानु जी। ज्ञान तो आप खुद ज्ञानवान है, और फिर परंतु इतना इतना मैं कह सकता हूं कि स्पीकर संसद संसद का कस्टोडियन होता है और चेयरमैन राज्यसभा का, वो राज्यसभा का कस्टोडियन होता है, उसको सरकार के इशारे पर या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के इशारे पर कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहिए, उसे अपने विवेक से उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो सदस्य उठाते हैं और सरकार को निर्देशित करना चाहिए। इतना पंगु नहीं हो जाना चाहिए स्पीकर को कि सरकार के सामने सरेंडर हो जाए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों के अनुसार वो सदस्यों को सदस्यता से निकाल दे, उनको बाहर कर दे पूरे सत्र के लिए। ये असंसदीय कार्य है और ये बिल्कुल किसी भी तरह से डिक्टेटरशिप का ही दूसरा एडिशन है।